अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आप सबको। मसरूफियत की वजह से हम कोई रेसिपी नहीं डाल पाए और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने कलेजी की रेसिपी लाइक की और प्लीज़ फीडबैक दीजिए कि आप लोगों की कलेजी अच्छी बनी कि नहीं बनी। तो आज गाइस हमने कोई सेटअप नहीं लगाया है, बस फटाफट से आपको एक आसान सी और बहुत मज़ेदार रेसिपी देते हैं हांडी गोश्त की। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो आप प्लीज़ उसमें बनाइए, मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसमें बहुत रिस्क होता है। मेरे पास एक नई हांडी है बट उसको पहले ना पानी डाल के पकाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको पकाना होता है, अदरवाइज वो अक्सर फट जाती है। तो हम तो वो जो एल्युमिनियम वाली हांडी होती है ना जिसमें हमने करी बनाई थी, उस हांडी में बना रहे हैं। आपके पास अगर मिट्टी की हांडी हो तो उसमें बनाइएगा। ये हांडी गोश्त की रेसिपी बहुत ईजी और बहुत ही मज़े की होती है, बस ये टाइम टेकिंग होती है, मतलब आप रख के एटलीस्ट 1.5-2 घंटे के लिए भूल जाइए, उसके बाद फिर ये तैयार हो जाएगी। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मटन की रेसिपी है और क्या इस 1 किलो मटन के लिए हम खड़े, इसमें कोई मसाला मतलब गरम मसाला पाउडर नहीं जाएगा, सारे खड़े मसाले जाएंगे। तो गाइस ये देखिए 2 तेज पत्ता है हमारे पास, सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, खड़ी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च, मोटी इलायची, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जावित्री। तो ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। जीरा नहीं डालता गाइस इसमें, हम जीरा नहीं डालते, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। गाइस हमने 3 बड़ी बड़ी प्याज मतलब लार्ज साइज की प्याज है, इसी से थोड़ा ग्रेवी बनेगी ना, तो ये प्याज भी हम इसी में डाल देते हैं। पहले हम इसको सब कुछ इसमें मिक्स कर लेते हैं, फिर हम हांडी में पलट देंगे। तो ये प्याज भी चलेगी। अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये 2 टेबलस्पून है गाइस, 2 टेबलस्पून आराम से चला जाएगा। अच्छा आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, सिर्फ लहसुन की कलियां अगर आपको पसंद है ना तो खड़ी लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं और अदरक को ग्रेट करके डाल सकते हैं। हम पेस्ट डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सबको ग्रेवी ज्यादा पसंद है। 1 टीस्पून हल्दी, अगर तो आप स्पाइसी कम खाते हैं तो आप सिर्फ खड़ी मिर्चें डाल के भी ये ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग को तो स्पाइसी पसंद है ना, तो हम इसमें 1 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून थोड़ा सा ज्यादा रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। इतना ही हम धनिया भी डालेंगे, 1.5 टेबलस्पून ये धनिया चली गई। अगर इसमें हम ऐड करेंगे ये दही, घर का जमा हुआ दही है बिल्कुल फ्रेश, और अगर आपको दही जमाने की रेसिपी चाहिए तो आप हमें बताइएगा। ये हम 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे, मतलब मेजरमेंट में समझ लीजिए 1 बोल होगा, ये बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, खट्टा नहीं करना। लास्ट में जाएगा गाइस नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इससे मतलब आसान आपको मटन की रेसिपी नहीं मिलेगी और इससे डिलीशियस भी नहीं मिलेगी, बहुत अपना इसका एक अलग सा मजा होता है। जैसे वो ना पेशावरी दम पुख्त वगैरह जो बनता है वो थोड़ा मतलब कम ग्रेवी का होता है, लेकिन समझ लीजिए प्रोसीजर तकरीबन वही है। अब जाएगा इसमें गाइस 2 से 3 टेबलस्पून ये देसी घी है, अभी हम आपको बताते हैं, और कोई फैट इसमें हम नहीं डालेंगे, इसका अपना मटन का जो फैट है ना उसमें हम इस ग्रेवी को बनाएंगे। तो अभी हमने इतना घी डाल दिया, जब हम इसको खोलेंगे ना भूनने के लिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर मे भी अगर जरूरत पड़े इसको भूनने की तो उस टाइम पे आप घी और ऐड कर सकते हैं। तो बस ये हमारा मिक्स हो गया मसाला। तो गाइस ये सब मसाले मेरे सारे पूरे पड़ चुके हैं इसमें, अब इसको हमें हाथ से अच्छे से मसाज करके आपस में मिक्स करना होगा। और अगर आप चाहें तो इसमें ना क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, वैसे ना पड़ती नहीं है हांडी गोश्त में, क्रीम नहीं जाती है, जो ये वाला है इसे ना गांव वाले जुबान में चढ़ाने वाला गोश्त भी कहते हैं, क्योंकि सब एक साथ डाल के इसको पकने के लिए रख दिया जाता है, तो इसे चढ़ावा गोश्त भी कहते हैं और इसे हांडी गोश्त भी कहते हैं। तो ये रेसिपी बिल्कुल ऐसे ही बनाइए ना, तो ये ऑथेंटिक रेसिपी है, आप इसको बनाइए बहुत मजे की बनेगी। इसे पहले खूब अच्छे से मिक्स कर दीजिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसे। तो गाइस देखिए ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो हमने ये देखिए हांडी बोला था, तो ये इस तरह की हांडी, इसी शेप की मिट्टी की हांडी आती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी वाली हांडी बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। हम बना चुके हैं लेकिन इस टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या करते हैं देखिए, ये मटन फैट हमारे पास ये होगा आपका, ये देखिए इतना मुझे मेजरमेंट का इतना अंदाज नहीं, लेकिन 200 ग्राम तो एटलीस्ट होगा ही। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले से नीचे ना इस हांडी में पहले नीचे पूरी लेयर इसकी लगा देंगे, इसी फैट में जब ये पक के तैयार होगा ना तो ये बहुत मजे का होता है, ऐसा लगता है कि मक्खन में बना हुआ है। और बिल्कुल आपको अगर मतलब लगेगा कि बहुत नुकसान करता है, अगर तो कोई आपके यहाँ कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तब तो ये नुकसान दे, लेकिन एक हेल्दी इंसान के लिए एनिमल फैट इज बेटर देन अदर फैट। जिस फैट में जो गोश्त बनता है ना, जैसे अगर हम मटन बना रहे हैं तो इस मटन फैट में इस मटन को बनाएंगे तो ये डाइजेस्ट करने में इजी होता है। तो हमने नीचे अच्छे से फैट की लेयर लगा दी, अब हम ये गोश्त ऊपर से इसमें डाल के पूरा गोश्त इसमें डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको आटा लगा के सील कर देंगे और बिल्कुल सेम आंच पे से आप एटलीस्ट 1.5 घंटे के लिए पकने दीजिए। वैसे आपको मतलब 1.5 घंटे के बाद खोल के चेक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा गल जाएगा तो भी मजा नहीं आता है, तो हम इसे पूरा डाल देते हैं। हाँ तो गाइस देखिए हमने पूरी हांडी में गोश्त डाल दिया है, तो हम इसमें जो ग्रेवी लगी हुई थी या जो पानी था थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे क्योंकि कहीं नीचे लग ना जाए ना, तो इसलिए सेफ साइड पे थोड़ा सा 1 कप पानी आप इसमें डाल दीजिएगा। बस ये हमारा तैयार हो गया, बस इसको आटा लगा के सील करते हैं और चढ़ाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे 1.5 घंटे के बाद, सील दिखाते हैं कि सील कैसे करना है। देखिए ऐसे आप चारों तरफ जो है ऐसे आटे अच्छे से लगा के और इस पर ये ढक्कन रख के इसे प्रेस कर दीजिए, तो बस ये सील हो जाएगा।
और आपको लग रहा होगा कि ऑयल इसमें बहुत कम है, तो आप मतलब 2 से 3 टेबलस्पून घी इसमें एनफ हो जाएगा, क्योंकि जो फैट होता है ना वो अच्छा खासा ऑयल रिलीज करता है। और जब खोल के देखिएगा, अगर इनकेस अगर लगा आपको रोगन कम लग रहा है तो आप उस वक्त घी डाल के इसे भून सकते हैं। तो बस हम इसे रखते हैं और मिलते हैं आपसे 1.5 आवर के बाद। ऐसे हमारी ये जो हांडी है ना पकते हुए, हाफ एन आवर हो गया, तो बीच में आप क्या करेगा, एक दो दफा हल्के से हिला दीजिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि अंदर शोरबा भी है और थोड़ा मतलब आगे पीछे भी हो जाएगा ना। तो अभी इसमें काफी पानी है, तो इसको अब हम दोबारा रख देते हैं। आपसे कहा था 1.5 आवर के बाद ना, लेकिन मतलब कुर्बानी का गोश्त थोड़ा जल्दी गलता है, मटन जो होता है, तो हम इसे 1 घंटे बाद खोल के चेक करेंगे। तो अभी हाफ एन आवर हुआ है, हाफ एन आवर के बाद हम इसे चेक करेंगे। पकते हुए 1 घंटा हो चुका है, तो हम इसका सील खोलेंगे, आटे से सील गर्म है, थोड़ा एहतियात से करिएगा। सील हम खोलते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था गाइस, इसमें देखिए हमने सिर्फ एनिमल फैट का यूज किया और रोगन देखिए पूरा एकदम प्रॉपर रोगन आया हुआ है। तो हम बस अब इसका चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा टेंडर हो गया है कि नहीं। अगर गोश्त टेंडर हो गया तो बिल्कुल रेडी है ये। तो गाइस ये देखिए बिल्कुल रेडी है, और इसकी हल्की हल्की ग्रेवी होती है, देखिए अच्छे से ग्रेवी हल्की सी है इसमें। तो ये आप नान से या फिर जो यूपी स्टाइल में बनती है भौरी, भौरी से बहुत मजे का लगता है ये। तो बस हमारा ये बिल्कुल तैयार है, हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। गाइस हमारा खुशबूदार लजीज किस्म का हांडी गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार है। इतनी मजे की खुशबू आ रही है ना, इसे आप एंजॉय करिएगा नान के साथ, भौरी या लिट्टी जो होती है उसके साथ भी ये बहुत मजे का लगता है। और रेसिपी आपके पास है, जाएं बनाएं खाएं, एंड प्लीज़ कमेंट टू द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।